हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग भागीरथ बोस भाई जी के रिक्वेस्ट पर लेके आए हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर इन GTA 5। तो आज हम लोग इसके बारे में रिव्यू देंगे और इस मिशन को करेंगे कंप्लीट, जो कि आज हम खेलने वाले हैं 20 नंबर का मिशन आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये देख सकते हो आप, टोयोटा फॉर्च्यूनर क्या कातिल लुक लग रहा है। तो अभी हम इसको लेकर चलते हैं और अपने मिशन की शुरुआत करते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ भागीरथ बोस भाई जी की रिक्वेस्ट पर। तो अभी हम लोग बी वाले मिशन को कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने पहले भी किया था। तो अभी हम लोग टोयोटा फॉर्च्यूनर को निकालते हैं अपने घर से बाहर। तो गाइस, गाड़ी बहुत ही ज्यादा कातिल लग रही है, नो डाउट, एकदम मस्त लुक आ रहा है इसका। और ये नई वाली मॉडल है और इसका क्रेडिट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन भाई के चैनल से आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो इसको आसानी से। तो अभी हम लोग इसको खींचते हैं और देखते हैं कि हाई स्पीड कितना चढ़ जाती है ये गाड़ी। तो भाई अभी तक अगर देखा जाए तो मस्त चल रही है और हमने यार ठोक दी गाड़ी, और ज़्यादा तो कुछ नहीं आया है। टोयोटा की बिल्ड क्वालिटी आपको पता ही है भाई साहब। और ये आप देख रहे हो इसका फर्स्ट पर्सन मोड, और भाई अंदर से क्या जबरदस्त लग रही है SUV, प्रॉपर SUV। इसका बोनट भी दिख रहा है, और भाई इसका इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ, क्या गजब का इंटीरियर है, एकदम मस्त वाली 7-सीटर। तो इसको अभी हम लोग इस रोड से लेकर जा रहे हैं, और भाई SUV है आपको पता ही होगा, तो बॉडी रोल तो इसमें है भाई, और है तो, लेकिन ज़्यादा कंट्रोल्ड इसको हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये झूल तो बहुत ज़्यादा रही है। अगर थोड़ा सा स्पीड में हम लोग टर्न ले लेंगे तो भाई ये पलट जाएगी। ओ भाई, ओ हो भाई, इसकी ज़्यादा चर्बी चढ़ी है। निकल बार, चल निकल गया। हम लोग अपनी फॉर्च्यूनर को लगाते हैं साइड में। ओ भाई 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 भाई, इसको मत फें, अपनी फॉर्च्यूनर को लेते हैं साइड में। और भाई इधर से वो टोक के गया है साला आराम खोर कहीं का। तो अपनी जो फॉर्च्यूनर है वो हमने यहाँ पर लगा दी है। तो गाइज, ये तीन बुड्ढे यहाँ पर बात कर रहे हैं और हम इनकी बातों में अड़चन डाल रहे हैं, तो इसको स्किप करते हैं इन तीनों के भाषण को और स्किप करके निकलते हैं। तो भाई इन तीनों में से एक बुड्ढा हमारे साथ आ रहा है, तो हम लोग भागते हैं और अपनी गाड़ी पर चढ़ते हैं, लेकिन यार बुड्ढा नहीं भाग पाएगा। तो गाइज, अपनी जो फॉर्च्यूनर है वो उधर खड़ी है, लेकिन हम लोग इस बुड्ढे की गाड़ी में जाने वाले हैं, और ड्राइव तो मैं ही करूँगा भाई साहब, आपको पता ही है, हैवी ड्राइवर तो हम हैं भाई, गाड़ी की कभी भी सेकंड सीट पर नहीं बैठते हैं हम लोग, ड्राइवर सीट पर बैठते हैं। तो इसका फर्स्ट पर्सन यार इसमें मज़ा नहीं आया, इस फर्स्ट पर्सन में मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये तो अपनी ऑडी के जैसी लग रही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ ज़रूर डिफरेंस है। लेकिन यार ये सेडान जो कार होती है ना, इनका चलाने का एक अलग ही स्वैग है। और यार फ्रैंकलिन हमारे से कॉल पर जुड़ चुका है। ओ भाई, बुढ़े की गाड़ी भाई साहब, बुढ़े की गाड़ी। ओ भाई भाई भाई, तो इस तरफ से हमें जाना है, फ्रैंकलिन का कॉल कट हो गया है। और भाई फर्स्ट पर्सन का मजा ना भाई, सेडान कार का अलग ही मजा है फर्स्ट पर्सन में। तो अभी हम लोग लगभग कहें तो, ओ भाई, अगर गाड़ी का कांटा देखें तो ये 100 तक जा रही है, तो वैसे अगर स्पीडोमीटर देखें मोड वाला तो उसमें तो 150 तक जा रही है। इसकी यार स्पीड कम है, इस बुड्ढे ने शायद बांध रखी है स्पीड। ओ भाई 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 साहब, बच गई। हम हैवी ड्राइवर है यार, कितने भी झुलाओ, सांप बना दो, कुछ ना करते है। तो ये भाई साहब, इधर से एक मुड़ रहा था, मैंने देखा भी था, लेकिन मुड़ ना रहा हमें भी है। तो ये हम लोग आ चुके हैं डेस्टिनेशन पे, तो अपनी सेडान को यहाँ पर आके रोक देते हैं। तो भाई यहाँ पर हमें ट्रेवर भी मिल चुका है, फ्रैंकलिन भी मिल चुका है, और ये बुढ़ऊ पता नहीं कौन ही है टकला, तो इनके साथ बात करते हैं। और भाई यहाँ पर तो यार ये तो पैसा पार्टी निकले, इनके पास हेलीकॉप्टर भी है, देखते हैं कि कैसा मिशन चलता है भाई। और ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है, मुझे लगता है कि ट्रेवर ने यहाँ पर कभी मिशन किया है।
मुझे लग रहा है कि इधर तो हम आए हुए हैं। तो अभी इनकी बातों को करते हैं स्किप, और हम लोग अभी उड़ाने वाले हैं हेलीकॉप्टर, क्योंकि हम हैं हैवी पायलट भी। तो अभी हम लोग हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं। ओ भाई भाई भाई, ये क्या हुआ? तो हम लोग हेलीकॉप्टर को लेकर चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though. Cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? तो भाई लोग, हम लोग पहुंच चुके हैं बहुत ही ज्यादा नजदीक अपनी डेस्टिनेशन के, और मुझे लगता है ये डेस्टिनेशन इसके ऊपर है। चलो ऊपर चलते हैं। और भाई, डेस्टिनेशन मिल चुकी है हमें, और यहाँ पर उतर रहा है माइकल है या फ्रैंकलिन है? अच्छा, माइकल है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे, ये जंप। तो गाइज, हमें मुजरिम मिल चुका है, जो कि यही है, और ये हमारा साथी भी है। मुजरिम इसको कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा, क्योंकि हमारा साथी है। तो हम लोग इस खिड़की को तोड़कर अंदर आने वाले हैं। तो अरे भाई 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 यार, कितना अत्याचार भाई, कितना अत्याचार। अभी आपका हाल ना इससे ज्यादा बदतर होने वाला है। वो भाई भाई, अब नहीं, अब तो भाई मैं हूं ना, कुछ ना होने दूंगा। तो इन्होंने बंदूक तान दी है, और हमारे साथी तो आपको पता ही है कि कैसे हैं। जल्दी से स्विच करते हैं फ्रैंकलिन में, और फ्रैंकलिन के पास क्या है आपको पता ही है? दो, तीन, चार, पांच, और कोई है ही? शेर, चा माइला, कोई है ही? तो ये माइकल ने उसकी उसकी जान बचा दी है, इस टकलू को उड़ाते हैं, टकलू की टांट फोड़ते हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से स्विच करते हैं माइकल के रूप में, और माइकल भी हमें, माइकल भी कुछ लोगों को तो उड़ाएगा। तो दो बंदों को ढेर करके माइकल ऊपर जा रहा है, और भाई यहां पर पुलिस भी आ चुकी है। फ्रैंकलिन कब काम आएगा भाई? फ्रैंकलिन यहाँ काम आएगा। तो गाइज, अब हम लोगों ने दूसरे साथी पर स्विच कर दिया है, क्योंकि अब फ्रैंकलिन को ये हेलीकॉप्टर नहीं दिख पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग आगे आ चुके हैं। और भाई, इनको हमें फोड़ना है, जिससे इससे पहले कि ये हमें फोड़े। तो गाइज, हम लोग उनसे तो बच चुके हैं, लेकिन अपने जो हेलीकॉप्टर है इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी हमें अपनी डेस्टिनेशन, जो लास्ट डेस्टिनेशन है, वहां पहुंचना ही पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये हेलीकॉप्टर ज्यादा देर तक टिक सकता है। धुआं निकलना स्टार्ट हो चुका है, इससे पहले कि इसका इंजन ज्यादा गर्म हो, हम लोगों को उतरना है, और अपनी जो डेस्टिनेशन है वो आ भी चुकी है। तो गाइज, हमने अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया है सक्सेसफुली, और यहाँ पर अपना साथी ये रहा सही सलामत, और अपने जो ट्रेवर भाई साहब हैं वो भी सही सलामत है। माइकल का तो आपको पता ही है यार, खतरों का खिलाड़ी। तो उसको हमने डाला गाड़ी में, इसको हम साथी बनाएंगे, अभी तो हमसे अनजान है वो इंसान। तो ये रहा अपना हेलीकॉप्टर, इसको छोड़ के निकलते हैं आगे। तो गाइज, यहाँ पर अपनी फॉर्चुनर को हमारे साथियों ने पहुंचा दिया है, और अपना हेलीकॉप्टर गया रिपेयर होने के लिए। तो फॉर्चुनर लेते हैं, निकलते हैं।